सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 7:30 बज चुके हैं तो मैं तैयार हो चुका हूँ स्कूल जाने के लिए। 8 बजे का हमारा स्कूल है। मौसम देख सकते हो कैसा है हमारे यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है सुबह सुबह। और आप पूरा ये छत वगैरह आप देख लो, छत पूरा पूरा गीला पड़ा हुआ है। ये पूरी हरियाली दिख रही है, बारिश होने के बाद जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखेंगे सब बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। आपको पता होगा जब से ये दुनिया में स्कूल और कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं तब से एक नियम भी एग्जिस्ट करता है कि अगर सुबह सुबह स्कूल के टाइम हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई तो लड़कों की अपने तरफ से छुट्टी होती है, मतलब वो आते नहीं स्कूल। ऐसा ही होगा, पर अभी क्या, हम बड़े जो हो चुके हैं, मैं तो टीचर हूँ तो हमें बारिश है तूफान है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूल पहुँचना होता है वो भी टाइम से। तो मैं पहुँचूँगा और वहाँ देखेंगे कि लड़के आए हैं कि नहीं आए हैं। चले गाइस, चलते हैं स्कूल। तो गाइस, स्कूल पहुंच चुके हैं और स्कूल आने के बाद वही हाल है जो मैंने वहां बताया था घर पे, कि जैसे ही बारिश होती है लड़के अपनी तरफ से छुट्टी मना लेते हैं। हमारे स्कूल में 5 क्लास में कुल मिला करके करीब 900-950 लड़के हैं, मतलब 1000 के करीब लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं 1000 के करीब हैं। लेकिन आज मुश्किल से, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, अगर बारिश नहीं होती तो लड़के कुछ बढ़ जाते हैं, अभी भी बारिश हो रही है तो 100 लड़के आ जाए, मतलब 100-150 लड़के पहुँच जाएँ, समझ लीजिए बहुत बड़ी बात होगी। अभी मैं एक क्लास के बारे में बताऊँ कि सारे क्लास का हाल यही है। क्लास कितने बच्चे हैं बाबू? 5 लड़के, तो टोटल एक क्लास में 5 लड़के। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे वहाँ करीब करीब 17 क्लास हैं, 16-17 क्लास हैं, सिर्फ 5th तक के इतने क्लास हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा सेक्शन वाइज बटे होते हैं। तो कुल मिला करके आप मतलब मल्टीपल कर लो, यही किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10, इतने रहने वाले हैं, आज इससे ज़्यादा होने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि जब से ये मतलब स्कूल सिस्टम चल रहा है तब से ये नियम भी बच्चों में है, बच्चों के अंदर। कभी जब हम भी बच्चे हुआ करते थे तो हम भी यही करते थे कि जैसे ही मौसम अच्छा हो हम स्कूल नहीं आते थे, और स्कूल के टाइम अगर मौसम साफ़ हो जाए, मौसम खुल जाए तो गुस्सा भी बहुत लगता था कि यार रात भर बारिश हुई, सुबह खुल गया, स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जब हम थे तब भी किए, अभी के बच्चे भी कर रहे हैं और आने वाले बच्चे भी यही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शाम में एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है गाइस, बने रहिए हमारे साथ। मैं उस नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगा हम कहीं दूर जाने वाले हैं जहाँ आपको बताएँगे और हम आपसे पूछेंगे कि वहाँ हमें क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी हम कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जो आपके काफ़ी काम की होंगी। तो मिलते हैं कल, ज़्यादा मैं उसको ओपन नहीं करूँगा, मिलते हैं शाम को।